आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों द्वारा जारी की गई हड़ताल के लगातार आज छठे दिन पर भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रूपी कलेक्टर कचेरी में मोर्चा निकालते हुए आवेदन पत्र दिया था। वडोदरा शहर में पिछले 6 दिनों से आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल का सत्र उठाया गया है। सरकार के पास अपनी विविध मांग और पड़ताल प्रश्नों को लेकर बाह चढ़ाते हुए आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों द्वारा अपने काम घेरे का बहिष्कार करने के साथ 6 दिनों से हड़ताल पर उतरी है। तो वहीं अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया तथा तसल्ली के लिए जवाब नहीं मिलते हुए आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों में भारी आक्रोश फूट निकला है। मानद वेतन के साथ ये तमाम महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले वैसी मांग करते हुए 6 दिनों से हड़ताल पर बैठने के साथ आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया और सरकार के प्रति कोई चू तक नहीं रेंगते हुए आखिरकार तमाम महिला कर्मचारियों ने अपनी ये समस्या के समाधान अंतर्गत कलेक्टर कचेरी में आक्रोश रूपी मोर्चा निकाला था, जिसमें सरकार विरोधी सदोचार लगाते हुए जिलाधीश को आवेदन पत्र देने के साथ अपनी मांग पूरा करने के लिए रजूआत की थी। हमारी छठा दिवस से हड़ताल नो तमाम आंगनवाड़ी बंद है। वडोदरा लेवल बढ़ी आंगनवाड़ी बंद है। हमारी हड़ताल छठा दिवस से सरकार तरफ की कोई पर अमने निर्णय आपवामां आव्यो नथी। अमारी बहनों हजी पण उग्र आंदोलन करवा तैयार ज छे। आज अमे आवेदन पत्र आपवा आव्या छे कलेक्टरशीने। अमारू हजी पण आ रीते जो सोल्यूशन नहीं आवे, निर्णय लेवामां नहीं आवे, तो आ हड़ताल प्रबळ थशे। मुख्य मांगणी મારું માનદ વેતન છે એ શબ્દ હટાઈ અને અમને સરકારી કર્મચારી ઘોષિત કરો। કેટલી મહિલાઓ જોડાઈ છે આગળ? અમારી 400 આંગણવાડીની 400 મહિલાઓ કાર્યકર બેન અને 400 હેલ્પર, ટોટલ 800 બેન।